हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मेहकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे मेरी दोस्त की शादी के फंक्शंस आगे बढ़ते रहेंगे, मेरा गला मज़ीद बंद होता जाएगा, क्योंकि खुशी में हम इतनी चीखें मारते हैं कि रियलाइज़ नहीं करते कि बाद में बोलना कितना मुश्किल हो जाएगा। कल का शो की हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक आई, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातों से रिलेट किया। तो बहुत सारी बातों का जो एक मुझे बीच में क्रक्स मिला है या एक जो चीज़ मुझे समझ आई है, चाहे वो बुज़ुर्गों के शिकवे थे, चाहे वो बच्चों के शिकवे थे, और चाहे वो उसमें उसको अना कहिए या जिस तरह वो उनको उसको अपनी डिसरिस्पेक्ट समझते हैं, या ज़माने के साथ फ्लेक्सिबल ना होना या एडजस्ट ना होना, कुछ भी इसको कह लें, लेकिन या बच्चों का ये कहना कि वो हमें समझते नहीं, या हमारा ज़माना आगे चला गया है, या हम बड़े हो गए हैं, अब हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए है, अब दौर डिफरेंट हो गया है, तो हर चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो बुज़ुर्ग थे कि हम हमारी इज्जत, हमारा ये, हमारा घर में बात सुनी जाना, चाहे वो बच्चे थे कि हमें समझते नहीं, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं दोनों साइड्स की, जिस तरह कल भी मैंने बात की थी कि ओल्ड होम्स एक एक्सट्रीम है, फैमिलीज टूट जाना एक एक्सट्रीम है। इंसान को हर जगह जो है रिपेयर पे और रिफ़्रेश करने पे काम करना चाहिए, रादर देन कि आप उस चीज़ को तोड़ दो। तो एक कॉमन चीज़ जो मुझे हर चीज़ में समझ आई वो ये है कि हम लोगों में रहम दिली बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग हर किसी को सिंपथाइज करेंगे, देखेंगे तो हाय बेचारा, जाके पैसे भी दे देंगे, मदद भी कर देंगे, लेकिन हम दिली कोई नहीं। रहम हमें हर किसी पे आता है, लेकिन हम दिल हम किसी के साथ भी नहीं। गम हम किसी का महसूस नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं कि किसी के भी गम को फील करने के लिए ज़रूरी है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। हो सकता है किसी का गम जो उनके लिए बहुत बड़ा है, मेरे लिए वो छोटा हो, कोई चीज़ जो मेरे लिए बहुत बड़ी है उनके लिए बहुत छोटी हो, लेकिन जब मैं किसी के बहुत बड़े दुख से रिलेट करना चाहूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वो पल याद करना पड़ेगा जहाँ पर मुझे भी उतना ही दुख हुआ, जहाँ मुझे भी उतनी ही तकलीफ़ पहुँची, और मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जब मुझे उस वक्त इतनी तकलीफ़ पहुँची थी, इस वक्त इस इंसान को इस वजह से उतनी ही तकलीफ़ हो रही है। और जब वो हम लोगों का जो तकलीफ़ का एक रेशो है वो एक जितना होगा, तब ही मैं वो रहम दिली से निकल के उसकी हमदिल बन जाऊँगी, और फिर कभी भी आपसे कुछ ऐसा ना मुँह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, ना कोई आपसे ऐसा एक्शन होता है, ना ही आपकी नीयत कभी किसी के लिए बुरी हो सकती है, बल्कि आप जितना किसी के लिए कुछ कर सकेंगे, जितनी आसानियां पैदा कर सकेंगे, वही आप करेंगे। हम दिली से ही मुझे एक बात याद आती है कि आज हमारे जो शो के मेहमान हैं, हम लोग बात करेंगे हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है, हमारे बहुत ही ये प्यारे मेम्बर्स हैं इस कम्युनिटी के, और बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत लेट जाके हो गया, ये खुशी की बात है, लेकिन बहुत लेट जाके हमने इन्हें अपनी कम्युनिटी के अंदर शामिल किया है। अब जाके मतलब इतने अरसे बाद हम लोग जो है इन्हें स्क्रीन्स पर देखते हैं, इन्हें रोल्स में देखते हैं, और अभी भी हम थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा, मतलब अगर कोई न्यूज़ कास्टर है तो हम अप्रिशिएट करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी एक सरप्राइज़ की बात होती है कि ये एक नई चीज़ है, किस तरह के रोल में एक्सेप्ट किया जा रहा है। हालांकि इतनी कोई ये बड़ी बात है नहीं, देयर जस्ट एज टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग्स एंड एवरीथिंग, तो रोल क्यों ना मिला जाए। और इधर से मुझे एक बात हमेशा याद आती है, मेरे पास एक एक्टर है, हमारे बहुत जाने माने एक्टर हैं, और वो वाकई ज़बरदस्त, ही आउट डज हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक ड्रामे में एक ख्वाजा सरा का रोल प्ले किया, तो उसके लिए उन्हें कितनी, वो कितने डेडिकेटेड है, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी कि वो उनसे मिले, जाके उनकी कम्युनिटी में बैठे, उनसे बातें पूछी। वो चाहते थे कि जैसा ये रोल होता है वो बिल्कुल ट्रू टू द स्पिरिट उसको निभाएं, और उस पर उन्हें 2-3 महीने लग गए। तो मैंने उनसे बड़ा, मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे ब्रेक में पूछा कि आपको इतना तरद्दुद करना पड़ा कि आपने एक ये रोल प्ले करना है, तो आपको समझना पड़ा, वहाँ गए, आपने मेहनत की, प्रैक्टिस की, डायरेक्शन ली, तो डायरेक्टर ने इस रोल में उन्हीं को क्यों नहीं कास्ट किया? तो इसका जवाब उनके पास नहीं था,
और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता है. और यही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ और यही वो हमदिली की, यही वो इक्वल समझने की, यही वो बराबरी की बात है जो शायद कहीं हमारे जहन से निकल जाती है और हम भूल जाते हैं कि हर इंसान आखिर है तो इंसान. बाकी चीज़ें और लेबल्स तो बाद में आते हैं. आज हमारे साथ होंगी ज़ारा चंगेज़ी जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इनकी अपनी ज़िंदगी भी एक इस चीज़ की मिसाल है. इनका भी एक ड्रामा भी जो है बहुत जल्दी स्क्रीन पर आने वाला है. इनकी डिटेल इंट्रोडक्शन जब वो यहाँ आएंगी तो मैं कराऊँगी. हमारे साथ होंगी शाजिया चौधरी जिनकी पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है एक पूरी एल्बम रिलीज़ हुई जिसमें इन्होंने गाने रिकॉर्ड किए थे और बड़ी वो सिद्धार सीख जो है चीज़ थी कि इट वॉज वेरी न्यू एंड इट वॉज रिकॉर्डेड, इट वॉज रिलीज. इनके साथ होंगी रागनी जो कि इनकी स्टूडेंट है. शेफ वसीम होंगे हमारे साथ जो कि आज सोबत एक डिश है वो बना रहे हैं तो आपको बनाना सिखाते हैं कि कैसी होगी ये. इमरान गुलाम अली होंगे हमारे साथ महकती मॉर्निंग को थोड़ा सा म्यूज़िक करने के लिए. और हमारे साथ होंगी आपकी बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस जिनका एक ड्रामा जो अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है. स्क्रीन में आप इनको डिफरेंट रोल्स में देख भी चुके हैं और इनकी एक्टिंग भी, और पिछली दफ़ा जब आई थी हमारे पास तो हमने डिस्कवर किया कि इनकी सिंगिंग भी बड़ी मज़ेदार होती है. हमारे साथ होंगी किरण शाह. छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक के बाद आप साथ. वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. हमारे मेहमान हमारे पास आ चुके हैं और मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी यहाँ पे. सबसे पहले हमारे साथ हैं ज़ारा चंगेज़ी. शी इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. फूड प्रिपरेशन और कलिनरी आर्ट्स के कोर्सेज इन्होंने किए हैं मैरियट से और HACCP सर्टिफाइड भी हैं. कलिनरी इंस्ट्रक्टर भी हैं, शेफ डी कुजीन भी हैं इन दुबई. इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स और टेलीफिल्म्स के प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं और इनकी टेलीफिल्म आसिफा से आसिफा तक बहुत जल्दी जो है वो रिलीज़ होने वाली है. ज़ारा चंगेज़ी पहले हमारे जो और मेहमान हमारे साथ हैं उनको भी हम यहाँ पर वेलकम कर लेते हैं. हमारे साथ हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान जिनकी 7 एल्बम जो हैं वो 7 वॉल्यूम्स ऑफ डांस नंबर्स जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं और मूर्त फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन भी हैं शाजिया चौधरी. इतनी खूबसूरत अदाएं माशाल्लाह है. हमारी स्क्रीन वैसे ही चमक गई है. आपकी आपके यहाँ आने से ही चमक गई है. बस क्या करूँ, जहाँ जाती हूँ ऐसे ही सब कहते हैं. सारे ये कहते हैं, चार चांद लग जाते. आपकी स्टूडेंट भी आज आपके साथ आई है. रागनी को भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी. ठीक है, आइए प्लीज बैठिए. प्लीज हैव अ सीट. वेलकम टू द शो. बड़ी खुशी हो रही है मुझे आप लोग यहाँ पर आज आए हैं और बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी है, आपसे पूछनी है. और माशाल्लाह से आप लोग, एक तो मैं अभी भी ये बात करती हूँ उस पर आप भी ये जो है ना थोड़ा सा मुझे जो है ना बड़ी हैरानगी होती है अभी भी ये सुन के कि पहली दफ़ा कोई चीज़ हो रही है. मतलब अरसा हो गया दुनिया को शऊर पाए. बिल्कुल. और इंसान को बहुत सारी चीज़ों का पता भी चल चुका है, आगाह भी हो चुका है. हम अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव और आगे बढ़ने वाला नेशन कहते हैं लेकिन अभी भी इस मुल्क में कुछ चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हो रही हैं. जी तो कैसा लगता है जब इस तरह की कोई ख़बर आती है? मतलब देखें, बहुत अरसे से हमारी इस कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है. तो जब तक अपनी आवाज़ हम खुद नहीं उठाते तो इंसान कामयाब नहीं होता. तो हम अपनी आवाज़ हमने खुद उठाई. इतने सालों से इतना अरसा गुजर गया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई, शायद नहीं था. खैर जो भी था, अब वक्त आ गया है, वक्त बदल रहा है और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हम भी खुदा की ही तख्लीक है और अपनी ज़िंदगी. बिल्कुल बेशक. और कोई हक आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपको इससे कम कोई करने वाली बात है. मतलब मुझे तो बात समझ ही नहीं आती ना कि मतलब कैसे एक इंसान अपने आप को किसी से भी बेहतर समझे. बिल्कुल ऐसा. ये तो आपको दिया, हक ही नहीं दिया अल्लाह ताला ने ये वाला कि आप किसी से बेहतर हैं या बेहतर हैं. ऐसा ही आप मूरत फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं. जी, ये फाउंडेशन क्या करती है इसके बारे में मुझे बताइए. ये फाउंडेशन कुछ जितने भी डांसर हैं उनकी
ہیلپ کرتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر ان کے اوپر کوئی مسائل آئے, جیسا کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس افتخار صاحب تھے جب, تو ان کے پاس سب سے پہلے میں ہی گئی تھی, وہاں پہ اس ایشو کو میں نے اٹھایا تھا کہ ان لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈ پہ مرد کا خانہ لکھا ہوتا ہے حالانکہ تصویر جو ہے لیڈیز کی لگی ہوئی ہے, تو کافی پرابلمز ہوتی تھیں اس وجہ سے, وہاں سے بھی پھر اللہ کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی بہت زیادہ. بالکل. اور اسی طرح کے کچھ تھانے میں جو شی میلز کو آنے نہیں دیتے پولیس والے, ابھی تک بھی کافی اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ شی میل جو نارمل قسم کی ہیں, جو بات کرنا جانتی ہیں, جو پڑھی لکھی ہیں, ان کے لیے تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ جا کے بات چیت کر لیتی ہیں, اور ابھی جو بیچاری تھوڑی نارمل ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے, ان کو ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو تھانے میں ابھی بھی ان کی سنوائی نہیں ہے. اس کی ویسا ہی ہے نا, جیسے کوئی عام انسان جو تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے, جس کو تھوڑی دنیا کی جان بوجھ ہوتی ہے, تو وہ ویسے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے, جو نہیں ہوتا تو وہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کو پھر آواز چاہیے ہوتی ہے. بالکل. آپ جیسے لوگوں کی جو ان کے لیے جائے. اچھا, مجھے بڑا افسوس ہوا, مجھے پشاور کی ایک بات پتہ چلی تھی کہ وہاں پر برتھ ڈے کے لیے پورا ہال بک کرایا گیا, اس کی پوری ایڈوانس پیمنٹ کی گئی, اور فائنلی جب برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پر گئے ہیں سارے, تو انہوں نے اندر انٹری ہی نہیں دی, اور ریزن صرف یہ کہ یہاں پر ہم اتنے سارے ٹرانسجینڈرز کو کچھ سیلیبریٹ نہیں کرنے دے سکتے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو بھی لوگ ہیں, غریب سے لے کے امیر تک, امیر سے لے کے غریب تک, جب وہ اپنی خوشی کرنا چاہتے ہیں تو نہ ان کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایس ایس پی کی, سی پی او کی, ڈی پی او کی, ان کی کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنے گھر میں لڑکیوں کا بھی ڈانس کروا لیتے ہیں اور خواجہ سراؤں کا بھی ڈانس کروا لیتے ہیں. اور جب ہماری باری آتی ہے, ہماری خوشی کی باری آتی ہے, جب ہم اپنی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں, ہماری سب سے, ہماری زندگی میں سب سے ہماری بڑی خوشی یہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر فوراً سے پہلے جی وہاں جائیں, ایس ایس پی آفس جائیں, سی پی او آفس جائیں, وہاں پہ پرمیشن دینی ہے سی پی او صاحب نے, تو اس کے لیے پہلے ہی تقریباً وہ کہتے ہیں نا, چھرا لے کے, تلوار لے کے کھڑے کاٹنے والے ہمیں پہلے ہی وہاں پہ ہوتے ہیں, جی آپ ہمیں 40,000 دیں تو ہم آپ کی پرمیشن ابھی کروا دیتے ہیں. تو جو 40,000, 35,000, 30,000 نہیں دے سکے گی, اس کے لیے پرابلم بن جاتی ہے. وہ بیچاری 40,000 ہال والے کو دے, اپنی خوشی سیلیبریٹ کرے کہ وہ ادھر جو مافیا کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے. یہ بہت بڑی اور یہ کون سی اجازت کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی ہال میں اگر آپ بک کرا رہے ہیں جی, اور آپ کسی مطلب لیگل کام کے لیے بک کرا رہے ہیں, جیسے آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے, شادی کرنی ہے, کاٹتی ہیں, ڈانس کرتی ہیں, اس کے علاوہ تو ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل. تو اس کے لیے کون سی پرمیشن؟ وہاں بھی جی آپ لوگوں کی پارٹیز میں یہ خطرہ ہوتا ہے, وہ خطرہ ہوتا ہے, تو خطرہ تو جہاں جہاں پہ جب خطرہ ہوتا ہے وہاں سے گاڑیوں کے اور اس کے بم کے بڑے بڑے وہ ٹرک تو گزر کے لے کے چلے جاتے ہیں, وہاں تو بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں. ہماری سالگرہ پہ دہشت گرد نے آنا ہے, ہماری سالگرہ پہ پرابلم ہے. اچھا, یہ جو خطرہ ہوتا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ مطلب خطرہ ہوگا یا آپ کو کوئی اسپیشل پروٹیکشن دینی ہے, تو جب آپ یہ پیسے دے دیتے ہیں, اجازت لے لیتے ہیں, تو کوئی اسپیشل پولیس فورس آتی ہے آپ لوگوں کو بچانے کے لیے باہر کھڑی؟ پولیس فورس آتی نہیں ہے. اگر پولیس فورس کو جتنی دیر تک ہم ان کو بھی پیسے نہ دیں, ان کے بھی منہ میں ہڈی نہ ڈالیں, اتنی دیر تک وہ بھی نہیں آتے. وہ بھی نہیں آتے. نہیں آتے تو مطلب یہ ایوی کی پرمیشنز اور یہ ساری چیزیں پرمیشن ہو جاتی ہے اوپر سے, جی فلانی جگہ پہ جائیں, ابھی فلانی جگہ پہ ہے, ادھر سے جا کے سائن کروائیں, وہاں سے سائن کروائیں, یہ کریں, وہ کریں. آدھا حشر تو بیچاری جو شی میل ہوتی ہے اس کا یہ پرمیشن کے سائن کروانے میں لگ جاتا ہے, اور وہ جو پیسے نہیں دیتی اس کا تو حشر یہ ہو جاتا ہے. اور جو 40,000 وہاں پہ جو مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر دے دیں تو ان کی بآسانی سالگرہ کی پرمیشن مل جاتی ہے. بالکل. اچھا, یہ ایک میں نے پہلے بھی بات سنی اور میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سالگرہ ہوتی ہے جی, یہی سب سے بڑی خوشی ہے, ٹھیک ہے, جس کو منایا جاتا ہے. ہاں جی. تو اس کے یہ مطلب اس کے علاوہ کوئی کسی کی سیلیبریشن, جس طرح اب تو جیسے کوئی ہماری تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سیلیبریشن ہوتی ہے نا, کہ گریجویشن ہوگی یا پڑھ لیا یا اسکول جانا, تو یہ سارا سسٹم کس طرح کا ہے؟ مطلب میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسکولنگ کی آپ کو آپشن دی جاتی ہے بچپن میں, کیا آپ کا کوئی نظام ہے جس میں اسکول بھیجا جائے, جس میں پڑھائی کا آپ کے پاس ایک آپشن ہو؟ آپ گریجویٹ ہیں تو آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی, میں فیملی کے ساتھ رہتی ہوں. جیسے کہ پہلے اس سے بات شروع کروں گی, جیسے یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے ڈفرینٹ سٹیز میں اور
بیکورڈ ایریاز میں جہاں پہ الاؤ نہیں کیا جاتا ٹرانسجینڈرس کو ان کی ایکٹیویٹیز پہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پرانا ٹرینڈ ہے, جب تک ہم لوگ ان کو موقع دیں گے کہ ہمارے سر پہ ناچو وہ لوگ ناچیں گے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ریسنٹلی جو بھی ایشوز آ رہے ہیں تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی این سی ایچ آر کو, وفاقی محتسب کو, کہ ہمارے جو ایکشن ہے ان پہ نوٹس لیا جا رہا ہے جو بھی سننے والے ہیں. جی, تو ابھی ریسنٹلی کے پی کے میں ایک ٹرانسجینڈر ہیں, انہوں نے پارٹی ارینج کی تھی اپنی اور ان کو بولا تھا کہ آپ صرف کے پی کے اندر کی ٹرانسجینڈرس کو بلائیں, باہر سے کوئی نہیں آ سکتا. اپنی طرف سے ریسٹرکشن لگا دی, کلا بنا دیا, ایسا تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. وہ جدھر پورے آل اوور پاکستان سے بلائیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایجنٹ تو نہیں بلا رہی نا آؤٹ آف کنٹری. تو اس پہ نوٹس لیا تھا باقاعدہ, وہاں کے ڈی پی او کو بلایا نہیں گیا تھا, اس کو کانٹیکٹ میں لیا گیا تھا اور اس پہ کام کیا گیا اور بولا کہ بتاؤ ایسے کیوں کہا. اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی, بالکل کوئی ہے وجہ ہی نہیں. دوسری بات آپ کی کہ ہمیں پڑھائی کا موقع ملتا ہے, بالکل. سوری, میں یہاں پہ ایک بریک لوں گی. پڑھائی کا موقع یا ایکول اپرچونیٹیز جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا, برابری کی, کہ برابر ہے, ایک بچہ تو بچہ ہوتا ہے, اس کو وہی سارے رائٹس فراہم ہونے چاہیے جو کہ ایک ہم عام باقی لوگوں کو ہوتے ہیں, یا جو آپ یو نو جنرلی ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے اس کو اسکول بھی جانا ہے, اس کو تربیت بھی چاہیے, اس کو ریلیجن کی بھی جو ہے نالج ہونی چاہیے, اس کو سوسائٹی کی بھی ہونی چاہیے, اس کے پاس پڑھائی لکھائی بھی ہونی چاہیے, پھر آگے بھی زندگی میں جو بہت سارے موقع آتے ہیں جو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ بھی ہونے چاہیے. تو یہ بات تو بڑے افسوس کی کہ آپ کی زندگی میں ایک ہی خوشی کا موقع اور اس کے لیے بھی آپ کو اتنا تردد کرنا پڑے. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ. یہاں پہ کرن کو ہماری بہت ہی پیاری سی مہمان, ہم ایکٹریس میں کیا تعریف کروں آپ کی, ماشاء اللہ. سر, ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکور کیا تھا کہ گانا بھی بہت اچھا گاتی ہیں, تھینک یو. آپ سے آج بھی گوائیں گے, وائی ناٹ, اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گی. بالکل بالکل, لیکن میں میل ڈوئٹ میں وہ گاؤں گی, جو میری اس وقت آواز ہوئی ہوئی ہے نا, ماشاء اللہ. کیسی آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, الحمد للہ. ٹھیک ٹھاک ہے, الحمد للہ. اچھا, آج میں نے کہا کہ آپ بھی ساتھ آئے نا میرے, ذرا ساتھ دیں. بہت سارے اس طرح کے سوال ہیں جو ہمیں پوچھنے چاہیے, جو ہمیں ایز اے سوسائٹی پوچھنے چاہیے اپنے آپ سے. صحیح. جس میں سے ایک سوال جو جانے سے پہلے میں نے پوچھا کہ ایجوکیشن کا, پڑھائی کا کیا آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے؟ آپ اپنی فیملی کے ساتھ تو نہیں رہی؟ جی, فیملی کے ساتھ نہیں نہیں رہی, ٹھیک ہے. تقریباً زیادہ سے زیادہ فیملی کے ساتھ نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. ہاں, فیملی والے ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کچھ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کا جو بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے نا, وہ اوپن مائنڈ رکھ کے ہم اس طریقے سے رہتے ہیں. تو پھر فیملی میں ہماری سسٹریں ہوتی ہیں, بھابھیاں ہوتی ہیں, بھانجیاں, بھتیجیاں, بھتیجے, ان کا خیال کرنا پڑتا ہے, جس وجہ سے نا مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. ہاں, تو مطلب بچپن سے ہی آپ فیملی کے ساتھ؟ نہیں, بگننگز ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ, نارمل اسٹوڈنٹ فیملیز کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں, وہی ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں. مگر جیسے جیسے سینس آف ہیومر ہمارا بڑھتا جاتا ہے, ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ہم کوئی تھرڈ جنریشن ہے یا ہم لوگوں میں کچھ فرق ہے. جیسے کہ آئی ہیو سم ڈفرینس فرام مائی بردر. اچھا, ہی از آل رائٹ اینڈ آئی ایم مینٹلی سم تھنگ لائک شی میل یا لائک فیمیل, دیٹس وائی نا. تو جیسے جیسے بچہ ڈسکور کرتا رہتا ہے, وہ اپنی ایک الگ لائن پکڑ لیتا ہے. جب وہ اپنے ساتھ کے ان جیسے شیمیلز کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ میری جگہ ہے. تو پہلی دفعہ آپ کی کمیونٹی سے ملاقات کس طرح ہوئی؟ اچانک سے ہو جاتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب میں نے خود بی کام کیا ہے آر سی سی صدیقی چوک سے, جس نے پنڈی اسلام آباد سے میں نے بی کام کیا ہے. یہاں کی اسٹوڈنٹ ہوں, یہیں پہ پڑھی لکھی ہوں اور شیمیلز کو بھی کافی لیٹ ملی ہوں. اسٹل مائی اسٹڈی, آئی کانٹ لیو میٹ اینی شیمیل ان مائی اسٹڈی پیریڈ. آفٹر دیٹ مجھے اس چیز کو ڈسکور ہوا کہ نہیں, یہ بھی میرے ٹائپ کی ہے, اس کی سوچیں, اس کا چلنا پھرنا, ہر چیز ہماری ایک جیسی ہے. پھر اس طرح ہم لوگوں کے سینس آف ہیومر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں وہ ایک دوسرے کے قریب نظر آنے لگ جاتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو پروفیشن ہے ڈانسنگ کا, شادی پہ جانا, خوشی میں شریک ہونا, یا ویسے جو ہے جس طرح آپ کی البم بھی ریلیز ہوئی, یہ مجبوری ہے کیونکہ کوئی اور کام ملتا نہیں, یا شوق ہے؟ پہلے شوق تھا, اب مجبوری بن گئی ہے, اور ابھی اس کام کو چھوڑنا بھی چاہتی ہیں مگر آگے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اچھے بھلے. دیکھیں, اب ان کی بھی اتنی ایجوکیشن ہے, اس کی بھی ہے, اور لوگ بھی ہیں بہت زیادہ شیمیل ہیں جن کی اتنی اتنی ہائی لیول کی ایجوکیشن ہے, مگر وہ بیچاری انہیں چیزوں میں ہے, اسی چیز میں ڈانس, سب سے زیادہ ڈانس میں ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم ڈانس میں ہوں, لیڈیز کپڑوں میں ہوں, بس. لیکن اچھا, ایک اور بات کہ ٹھیک ہے, شوق ہے,
ये डांस का शौक है, एक्टिंग का शौक है, ये क्या कहते हैं उसको, जो नौटंकी का शौक है, तो उसके लिए ऑप्शंस तो टीवी भी है, ड्रामा भी है, फिल्म भी है, हर चीज है, तो कभी वो वाला मुझे ऑफर करने टीवी वाले में रूट क्यों नहीं पता। ये बात मैंने जो है ना, किरण मेरे पास एक बहुत अच्छे एक्टर आए थे, उन्होंने मुझे मैंने शुरू में भी ये बात बताई कि उन्होंने बताया कि एक रोल था ये जो आपकी कम्युनिटी की जो एक वो माँ फिगर होती है, ठीक है, वो रोल था, तो कहते हैं कि वो करने के लिए मुझे बहुत जो है जाके पूछना पड़ा, उनके साथ बैठना पड़ा, उनकी मैंने जो है आदत देखी कि वो करते क्या हैं, उनकी रूटीन ऑब्जर्व की, उसमें मुझे 2-3 महीने लग गए, फिर मैंने प्रैक्टिस किया उनकी तरह बोलना, तो मैंने उनसे कहा कि आपने उन्हें ही क्यों नहीं कास्ट किया, व्हाई नॉट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हें शौक तो है, टीवी में इतने इतने बड़े आर्टिस्ट, मतलब काफी, हम उनके नाम नहीं लेना चाहती, इतने इतने अच्छे हैं, मगर उनको हालांकि वो मर्द लग रहे हैं, आप उनको ना लेना, हम में से किसी को ले लें, बिल्कुल होना चाहिए हम लोग, तो हाँ हमारा भी कुछ रोजी का जरिया बन जाए, तो मतलब कि नहीं देते अपॉर्चुनिटी, नहीं, क्योंकि ओरिजिनल एक्टिंग जो है वो तो हम ही कर सकेंगे, और जो मर्द करेगा उसमें तो साफ पता चलेगा ये मर्द है, तो इससे भी काफी ज्यादा गलत तासुर पड़ता है, उसको बनाने के लिए इस टाइप के फेसेस रखते हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने एक तो वो फनी वाला एलिमेंट तो वो अनफॉर्चुनेटली अलग है, लेकिन एक बहुत सीरियस रोल जिसमें एक प्रॉपर दिखाया जा रहा है उनकी कम्युनिटी के, वो दुख दर्द भी शेयर किए जा रहे हैं, आपको अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन उसमें कास्ट मर्द ही किए गए, मतलब ये बात मुझे नहीं समझ आती होना चाहिए कास्टिंग में, मतलब हमारे डायरेक्टर्स को भी ये सोचना चाहिए कि चले हम लोग जो एक आर्टिस्ट को जो हायर कर रहे हैं उस पर इतनी मेहनत जो हम लोगों ने करनी है, तो व्हाई नॉट हम किसी इसी में से किसी कम्युनिटी के किसी, अच्छा किरण उन्होंने मुझे मैं ये आज आप मुझे क्लेरिफाई करें, उनका ये था जो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि आप लोगों को ड्रामे वाली एक्टिंग जो है ना वो नहीं करनी आती, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है कि आप लोगों को एक्टिंग नहीं, देखिए हम न्यूकमर्स को भी सिखाते हैं ना, हमारे पास अब फेसेस इतने न्यूकमर्स आ गए हैं मतलब हमारे मीडियाज में कि हम लोग उन्हें भी सिखा के, हम लोग भी जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सीरियल किया था तो हम लोग वी आर न्यू ना, हम लोगों ने सीख के आगे आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम इन पे भी मेहनत करें, इनको इनके राइट्स दें, हम लोग इन पे वो तो बनाते हैं मतलब बड़े शौक से मूवीज बन रही हैं, मूवीज ड्रामा सुपर हिट होंगी, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उन्हीं एक्टर्स को अवार्ड्स भी मिल रहे होते हैं, मैंने खुद से एक छोटा सा ड्रामा, व्हाई नॉट हम इन्हें कास्ट करें, हैंडीकैम कैमरे से खुद मैंने और मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, हमने मजबूरी ड्रामे का नाम रखा था, बहुत ज्यादा उसमें हमने खुद भी बनाया, अपने शौक से बनाया था, इतना अच्छा, इतना अप्रिशिएट किया सब लोगों ने हमारी फील्ड के, तो वो क्यों नहीं, ये एक्टिंग की क्योंकि बात हो रही है तो आपका ये किस तरह एक्टिंग माना हुआ, देखिए जहाँ पे हम लोग इतना सरकास्टिक होते हैं वहाँ पे ना कुछ चीजें अप्रिशिएट भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, कोई आपके घर नहीं आता ये लो एक्टिंग करो, मुझे एक्टिंग का, मॉडलिंग का, इस चीज का मुझे शुरू से शौक था, बहुत पहले से, लेकिन मैं कभी इस तरफ नहीं गई, क्योंकि मैं, मेरा एक पैशन था कुकिंग का, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो करियर है वो एज अ शेफ कंटिन्यू करूं, बट मैंने कंटिन्यू किया उसको, मैंने उसमें जॉब भी की, बट मेरा एकदम माइंड सेट दूसरी तरफ आ गया कि नहीं मुझे इस तरफ शोबिज़ में भी जाना चाहिए, तो मैंने खुद अप्रोच किया डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को, डिफरेंट डायरेक्टर्स को, डिफरेंट एजेंसीज को, मैंने खुद अप्रोच किया, मेरे पास कोई खुद नहीं आया, नहीं, तो उनका रिस्पॉन्स क्या था, उनका रिस्पॉन्स आप आ जाए ऑडिशन दे दें, अगर आप इस काबिल हुए तो हम आपको रखेंगे, तो फिर आपने आप गए, मेरी मुलाकात हुई 2-3 प्रोड्यूसर से, एक्टर से भी हुई, तो अभी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो अप्रैल के मिड तक आ जाएंगे। अच्छा, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं ज्यादा रिवील किए बगैर, हम नहीं चाहते कि हम स्पॉइल करें आपके प्रोजेक्ट, लेकिन अगर आप उसमें अपने कैरेक्टर के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर, जिसमें टेलीफिल्म में दिखाया गया है कि वाकई में सोसाइटी में क्या है, क्या हमारे साथ होता है, एंड में हमें हाउ वी एंड अप, मतलब हमारे साथ एंड में क्या किया जाता है, सारी जिंदगी की सेक्रीफाइसेस फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और एंड में फिर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है, ये दिखाया गया है। अच्छा। और जो शॉर्ट फिल्म है वो उस पे है, शॉकिंग लव स्टोरी पे। अच्छा, हाँ जी, बस इतना ही कहूँगी। तो अच्छा, ये लव स्टोरी से मेरे जहन में हमेशा एक बात ये होती है, मतलब पेरेंट्स जो भी फैमिलीज हैं ना हमारी कम्युनिटी में, ये हैपेंड किसी के साथ भी क्रिएट हो सकता है, हमारे अपने घरों में हो सकता है, तो हम लोगों को इसको अब एबनॉर्मल, बहुत सारे बच्चे माँ बाप ने रखे होते हैं ना, उनको तो नहीं वो जाके साइड पे करते, तो फिर इनको भी फैमिलीज में जगह देनी चाहिए। ये सच है कि फैमिलीज खुद जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ट्रांसजेंडर है बच्चा, तो वो उन्हें दे आते हैं कम्युनिटी में, नहीं रखिए ऐसा, बिल्कुल ये गलत बात है, ये जो मैं पूछना चाह रही हूं, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, वो
ये एक पहले बड़ी देर पहले की ये बातें बन गई, ये दो बातें मैंने बहुत सुनी, एक कि वो आके ले जाते हैं, कि उनको पता चल जाता है, वो खबर कर देते हैं, वो नहीं जाते हैं। आज आप अपने मोहल्ले में देखें, अगर आपने कोई बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली अपना बच्चा जाने देती है कोई तो माँ क्यों, इंसान इंसानों में जो माँ होगी वो कैसे अपना बच्चा, मैंने तो इतनी फिल्में इतने ड्रामे कि वो बच्चा और पूरी फैमिली ने बनाया हुआ है, फिर इन्होंने एक और बात के ऊपर झूठ बनाया हुआ है जी, इन लोगों का जनाजा नहीं होता, जनाजा गायब हो जाए, ये भी झूठ है। क्यों नहीं होता, हमारे हाजी साहब हैं, मेरे अपने गुरु हैं, हाजी हैं, उन्होंने हज किया हुआ, उनको इतने जैसे मोहल्ले के सारे मुहज़्ज़ब लोग आए, सब ने उसी तरीके से दफनाया जैसे आम लोगों को दफनाया जाता है, उसी तरह जनाजा हुआ जैसे एक आम इंसान का जनाजा होता है। मगर बैड इश्यूज बनाते हैं लोग, तो ये बनाई हुई बात है, ये बनाई हुई बात है, अपने बच्चों को घर से निकालते नहीं है जैसे उन्हें पता चले। और मैं तो सबसे पहले, अगर ये जब कहते हैं ना कि ये माँ बाप इनके इनको ले जाते हैं, ये सब झूठ है, मैं तो सिर्फ सबसे पहले जितने हमारे पाकिस्तान की जितनी माएँ हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपने बच्चे में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ जाती है कि हमारा बच्चा कुछ शीमेल वाली कोई फीमेल वाली हरकतें कर रहा है, तो बजाय उसके ऊपर उसको मारना शुरू करें, उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू करें, उसको प्यार से गाइड करें। जब उसको प्यार से गाइड करेंगे तो वो बच्चा 100% उसके चांस होंगे वापसी आने के। और जब वो मारते हैं ना, देखें किसी को भी, अब छोटा सा बच्चा आप मेरे सामने इधर ला के बैठा दें, छोटे से बच्चे के पास एक खिलौना होगा, मैं उसे छीनूंगी, मैं छीनूंगी वो नहीं देगा, मैं उसको मारूंगी वो नहीं देगा, जब मैं उसके प्यार से उसको गोद में बिठा के प्यार से लेके उसको मैं मांगूंगी वो मेरे हाथ में दे देगा। तो यही बात होती है कि जब आप बच्चों को मारती हैं माएं, मैंने तो ये भी देखा होगा कि माएं ज्यादा नहीं मारती हम लोगों को, भाई और बाप ये बहुत दोनों तुरे खान बनने होते हैं, ये बहुत तुरे खान बनने होते हैं, ये कहते हैं जी असी जवानी की जॉब कर लेते हैं, असी ठीक है, ए क्यों खराब निकल, उनको बड़ी इज्जतें अपनी प्यार होती हैं, जैसे इज्जत के दो दो झंडे एक अबू का लगा हुआ है भाई का लगा हुआ उधर, वैसे ही इनके, मुझे इनसे बड़ी एलर्जी है। तो उनको क्या हो, मतलब उनको, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग इतने इज्जतदार हैं ना, इतने इज्जतदार हैं, हाँ, जी जी, प्लीज, अगर आप कहते हैं कि हमारी इज्जत खराब हो रही है, तो आप जितना उसको उसके ऊपर जुल्म करोगे, उसने खुंदक से जिद में आके उसने और आपकी इज्जत खराब करनी है। आप उसको प्यार से गाइड करो, प्यार, प्यार में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि कोई बंदा अगर समझे तो उसको पता चले। प्यार, प्यार मोहब्बत की बात अगर होनी है ना, तो ये फिर हमने सही वाले इसकी तरफ जाना है, अब हम वापस आएंगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत हर जिंदगी का एक हिस्सा है, होता है। लेकिन अभी तक जो हमने सिर्फ कहानियां सुनी है ना, वो यही तशद्दुद की, मारपीट की, बच्चों को छीन के ले जाना, जिस तरह आपने बात की, बहुत सारी बातें जो वाकई हमने सुनी और कोई है ही नहीं जैसे हम पूछ के कहें कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है। छोटी सी ब्रेक के टाइम, ब्रेक के बाद आप सारे वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं शाजिया, आप मेकअप अपना सेट करने वाली हैं वापस? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कितना टाइम लगता है मेकअप में? मेकअप में तकरीबन टोटली 15 से 20 मिनट लग जाता है। बस जी, इतना हसीन मेकअप 15-20 मिनट में हो जाता है? वो इसलिए कि अभी हाथ बैठ गए ना मेकअप कर करके। क्या बात है आपकी भाई, और बाल शाल कितनी देर में बन जाते हैं? बाल भी तकरीबन इतनी देर में बन जाते हैं। तो आप अपना मेकअप जो है वो प्लीज कीजिए, हम साथ साथ जो है दिखाते भी रहेंगे, क्योंकि हमने काफी बातें की है ना, तो उसकी वजह से ना लिपस्टिक मेरी ना खाएगी, और हम लोग बातें भी की थोड़ी सी, हमने सख्त बातें की ना, हाँ, सख्त बातें की, जिसकी वजह से ना कहते हैं ना कि रंग उड़ गया, तो मेरी लिपस्टिक उड़ गई है। हम वो वापस सेट कर लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है बात हो रही थी, प्लीज
ये आपने क्लियर करनी है, जो बात आपने अभी मुझे समझाई ना ब्रेक में, अच्छा। ये मैं लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि एक बात जो मुझे अभी बताई है वो ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाय बर्थ, आपको पता होता है कि इंटरसेक्स है, जिसका मतलब है कि आपको उनका फिजिकली जो है पता चल जाता है, और उसके इलाज है जी, है ये बात मुझे नहीं पता थी, इलाज है उसका बाकायदा, ऑपरेट कर सकते इवन हाँ। उसका अगर फीमेल की तरफ ज़्यादा है तो उसको फीमेल की तरह ऑपरेट करते हैं, नहीं अगर उसका मेल की तरफ ज़्यादा है, अगर वो ट्रीट हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है, तो उसको मेल की तरफ ज़्यादा ऑपरेट करके उसको ठीक किया जा सकता है। बट इंटरसेक्स में ऐसा होता है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो हमारी हिस्ट्री में हो चुका है, जब कोई देख ले तो उनको नहीं पता था कि ये ट्रीटेबल है, बाप कहता है ये तो मेरे माथे पे पता नहीं दाग लग गया, मैं अब क्या करूँगा, तो वो उसको पास एक ही ऑप्शन नज़र आता है, माँ बेचारी जितना भी उसको रखना चाहे, बाप उसको कहता है इसको दे दो दे दो, अब तो बहुत कम है, पहले इसी तरह होता है, तो ट्रेंड काफी चेंज हो गया, लेकिन मदर पेरेंट्स वगैरह भी सपोर्ट करते हैं शीमेल को, लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान के बैकवर्ड एरियाज में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बाकी जगहों पे ये ट्रीट करते हैं इनको बाकायदा, अब पाकिस्तान में भी ट्रीट होता है। दूसरा ये भी होना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसा की मतलब हैपन क्रिएट हो गया, तो अपने बच्चे को इतना फैसिलिटेट करें, इतना ग्रूम करें, इतनी इसको एजुकेशन दें, उसके बाद उस पर छोड़ दें, अगर यू वांट टू स्टे इन द होम, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको अपनी चूज कर लें, फिर वो क्योंकि वो ग्रूम हो जाते हैं 20-25 साल में, मतलब उसको सेंस आ जाती है कि अच्छा मैंने किस फील्ड की तरफ जाना है, ना कि बच्चे को मतलब आप रोडों पे मांगने के लिए खड़ा कर दें और घर से निकाल दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको इतनी आप एजुकेशन दें कि वो खुद अपना अपने अपने आप का खुद फैसला ले, अपने लिए खुद बिल्कुल उसके ग्रूमिंग तो उसका हक है ना, हक है ये तो आपने करना है। अच्छा, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं जी, ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मतलब नियर टू प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्यूबर्टी दे आइडेंटिफाई देयर सेल्फ, ठीक है, मतलब 9 से 14 साल जी, ठीक है, वहां पर जाके आपको ये पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल, तो तब आप रियलाइज करते हैं, और तब आप सोचें एक अरसा गुजार चुका है बच्चा तब तक पेरेंट्स के साथ, तो वो कैसे बाहर निकलेगा, और ये इतनी डेंजरस एज है कि टीनेज इतना क्या बात है आपकी हसीना, जरा शीशे में देखें, मतलब हसीन सा शॉर्ट तो बनाए ना, ये देखें सर, माशाल्लाह बहुत, लिपस्टिक का कलर आपने चेंज किया ना थोड़ा सा, आइए जी प्लीज भाई, बहुत बहुत ही अपना मेकअप ही आप इतनी जल्दी कर दिए, किसी और का किया कभी जी? अच्छा, हाँ, वो भी अभी, अच्छा होता है। अभी मैं पार्लर का कुछ सोच रही हूँ, मेरे एक जहाँ से पहले मैं मेकअप करवाती थी वहाँ मेरी उनके साथ बात हुई है, और मैंने उनको कहा है कि मैं पार्लर का करना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आता तो है मगर थोड़ी सी ये बेस बनाना, कुछ स्किन ऐसी होती है, कुछ शेड का नफरत भी है, क्यों उतनी नफरत भी है, सबसे पहले नफरत तो हमारे घर से शुरू होती है, क्यों क्यों बस इसी चीज की आज तक हमें भी समझ नहीं आई कि क्यों नफरत करते हैं, जब हम पैसे देती हैं पैसे अच्छे होते हैं, और जब हम घर पे जाती हैं तो हम घर में बैठे, अच्छा तो पैसे लेते हैं जी जी, तब गैरत नहीं आती बीच में, नहीं किसी को नहीं, किसी को नहीं, हाँ अगर अगर हम मतलब दिल से अगर अपने दिल से अगर हम किसी को सपोर्ट करना चाहती हैं तो वो एक हमारी माँ होती है, अच्छा। उनको दिल से हम सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती ना, माँ वैसे भी दुनिया में चीज एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बना दी है कि वाकई माँ माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता दुनिया में, हम दिल से अपनी सिर्फ माँ को सपोर्ट करना चाहती हैं और उन्हीं को सपोर्ट करती हैं, तो बाकी तो खैर जो कहते हैं ना कि फिर माँ की वजह से और लोगों को भी हमें सपोर्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि फिर वो जब देखते हैं कि इसने माँ को इतना कुछ दिया है, ये चीज़ ला के दी है, वो चीज़ ला के दी है, तो फिर वो भी कहते हैं कि इसको कहें ना इसके पास तो इतने पैसे हैं तो हमें भी दे दे, फलानी चीज़ हमें भी ले दे, हमारे लिए भी ले आए, लेकिन तो जब माँ बेचारी होती है, माँ फिर दूसरे बच्चे होते हैं, माँ फिर कह देती है कि चलो जब दोबारा होगे तो फिर इसके लिए भी फलानी चीज़ ले आना, ले आना, लेकिन वैसे कभी कभी मोहब्बत हुई जिसको हम कहते हैं ना इश्क मोहब्बत, जिसमें बंदा बिल्कुल गिरफ्तार हो जाता मुझे है। अपने जैक से है, मैंने कुत्ता रखा हुआ है मुझे उससे वो कभी नाराज नहीं करेगा, कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत वो बहुत वफादार है मैं कह रही हूं, छोड़ के नहीं जाएगा, मैं जब वापस आती हूँ तो यकीन करें उसको इस तरह की उसकी सिचुएशन होती है कि वो कहता है कि संगल तोड़ दूं और मैं जाके इसके पैरों से लिपट जाऊं, तो इससे बड़े फिर किससे बंदा प्यार करे, कुत्ते से प्यार करे, लेकिन ये जैक जो है जिंदगी में कुछ
दुखों के बाद आया, कोई दिल टूटने के बाद आया, या आपने सोचा हुआ था कि नहीं भाई मैंने तो कुछ इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है? दिल तो आप कहती हैं ये टूटना, दिल तो रेजा रेजा है। अच्छा अभी शुक्र है ना किसी से इश्क नहीं हुआ ना, अगर हो जाता तो लकी मैं। यही तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने कहा ये मतलब इश्क मोहब्बत की क्या जगह है जिंदगी में। देखिए प्यार हर किसी के लिए जरूरी होता है, प्यार का भूखा। हम लोग इधर मिसालें देते हैं कि जानवर को प्यार दो, गरीबों को प्यार दो, ये मतलब हमारी जब बात आती है कहते नहीं ये लोगों का प्यार नहीं हो सकता, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जाहिर और बातिन की बात करूं, अगर जाहिरी लोग जो भी समझे, बेशक कोई कितना फेमिनन दिखे लेकिन एक नाम साथ लगे ट्रांसजेंडर है तो कतराते हैं बहुत लोग। लेकिन ऐसे भी देखे जो कि प्रपोज करते हैं उनको पता नहीं होता ट्रांसजेंडर है, जब पता चलता है घुसरे लब गया। हाय अल्लाह जी, इतने बुरे अल्फाज, घुसरे का अल्फाज तो ऐसे लगता है कि सीधी किसी ने गोली पेट च मार देती है, इतना बुरा अल्फाज। मैं कहती हूँ सही जाहिल लोग हैं, सही जाहिल। अच्छा प्यार से कह दो, शीमिल कह दो, मूरत कह दो, मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, वो थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। वो अभी जो प्यार वाली बात हो रही थी, इसीलिए तो नसीबों ने कह दी है इश्क जरूरी है जवान रहने लिए। देखिए मैं खुसरा वाली बात ना, वो मैं अपने तौर पे कहना चाहूंगी, आज यहाँ बैठी हूँ तो इस मौके का फायदा उठा के, ये जो खुसरा वर्ड है, कोई ख्वाजा सरा बोलता है ना तो ये बड़ा एक तहजीब वाला हमें लगता है, हाँ हमारे कल्चर का नाम है ख्वाजा सरा। तो ये खुसरा जो है ये ख्वाजा सरा के शुरू से लिया है और एंड में जोड़ा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है उसका ख्वाजा सरा की, ठीक है। और अब मुझे कोई मिसाल के तौर पे सुना है मैंने, लेकिन मुझे कोई खुसरा 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 कहे या कुछ भी कहे, आई डोंट केयर। अब मैं आपको बैठ के औरत 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 कहूँ आपको बुरा लगेगा? मैं किसी मर्द के पास जाके मर्द 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 कहूँ उसको बुरा लगेगा? उसको बहुत अच्छा लगेगा, मर्द तो हर वक्त बैठा पा चाहिए मर्द का। मैं अपनी आइडियोलॉजी मैंने बताई, इसको इसलिए बुरा नजरिया मैंने बताया, तो ये तो छोटी सी है ना, तो ये कहती होगी खुसरा, मैंने की खुसरा तो जिससे दहशत गर्द का नाम है, उफ अल्लाह इतना बड़ा नाम और तीसे काठे का नाम है की है। नहीं नहीं पता परसेप्शन की बात है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी के बिलीव को, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना बिलीव बताया, मैं नहीं कह रही कि उन्होंने जो बोला मैं उस पे हावी नहीं। पता मुझे वो बात बिल्कुल समझ आ गई है, वो भी जो कह रही है कि हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना ये लव्ज खुसरा, जान साड़ी इतनी खुसरा वही 5 किलो दा होते है, आइंदा नहीं कहना किसी ने, आइंदा खबरदार हम लोग यहाँ पे जब ये बोलते ना कि हम 2018 में आ चुके हैं और हम लोग इतने मॉडरेट हो चुके हैं, तो हम लोग कहाँ मॉडरेट है, हम लोग क्योंकि तो सोच तो वही है, नहीं जरा भी नहीं। सोच को चेंज करना चाहिए। कसम यकीन करें कि मुझे अभी 17-18 साल हो गए उस जिस मोहल्ले में मैं रह रही हूँ, और यकीन करें अभी भी लोगों की वही उनकी सोच है कि हमारा बच्चा इनके पास ना जाए खराब हो जाएगा। मेरे चेड़ी खराबी तक की है, मैं की कर रही हूँ, मैं कोई ट्यूशन खोले हुआ बच्चे खराब करने का? हम क्या करती हैं? हमारा हक हमारा दिल नहीं करता कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम उनको प्यार दें, वो बच्चों को पीछे कर लेंगे क्यों? साड़े उठाने लुली लगी है, क्या है अजीब सी लोगों की बातें हैं कि इनको इन। अच्छा कभी किसी को सुनाई है खड़े खड़े? अभी तक बहुत ज्यादा सुनाती हूँ, बहुत ज्यादा, मैं तो बड़ी सुनाती हूँ। मैं तो अभी वो बीगो यूज करती हूँ, उसके ऊपर भी लोगों की सही क्लास है। सुंदर साहब ये देखिए कि हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है शादियाँ होती है, हम लोग इन्हें मतलब स्पेशली इनविटेशन देते हैं ना कि आए आप हमें ज्वाइन करें, तो वैसे क्यों नहीं? पहले बुलाते थे लोग, इनवाइट करते थे हमें काफी अरसा पहले, वो इनवाइट करते थे। कुछ मैं बताऊंगी ना कि मैं आपको अभी असल वाली बात भी बताऊंगी ना, प्लीज प्लीज बताएं ना वो असल वाली बात। मैं अभी वो बताती हूँ कि देखें कुछ हमारे ये नहीं, हम लोगों को नहीं ये कहते जी ये इसका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, ये मोहल्लेदारों का फलानों का ऐसों का मोहल्लेदार। कुछ सबसे ज्यादा जो गलत बात है ना, हमारे अंदर कुछ ऐसे लड़के कन्वर्ट हो के शीमेल बन चुके हैं, ठीक है। अच्छे भले लड़के अब घर में जाते हैं तो यकीन करें वो उनकी बीवियां उनकी बीवियां बच्चे हैं, अपने गांव से आते हैं। हमारे रावलपिंडी में पहले इतने शीमेल नहीं थे जितने अभी आ चुके हैं, अब फैसलाबाद पूरा पिंडी में आ चुका है, अच्छा लाहौर पूरा पिंडी में आ चुका है, अच्छा जी और कितने शहर हैं सारे पिंडी में आ चुके हैं। अब वो लोग यही कहते हैं जी ये इतने ज्यादा कहाँ से आ गए। मैं कहती हूँ अगर थाने वाले जो SHO साहब बैठे हैं वो नहीं कर सकते,
एसएसपी साहब नहीं कर सकते, डीआईजी नहीं कर सकते, मुझे मुझे इख्तियार दो, मुझे एक दफा वर्दी पहनाओ और मैं आपको बताती हूँ कि ये भागते कहाँ है, ये जाएंगे किधर। अगर ये ख्वाजा सरा कभी भी ना इनको मैं बनने दूं, मैं इनके साथ वो करूं, वो इसलिए कि इन लोगों की वजह से पहले हमारे फंक्शन होते थे, हम फंक्शनों पे जाती थी तो वो फंक्शन हमारे होते थे, हमारे बिल्कुल खराजात बहुत पूरे हो जाते थे, हम बड़ी महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदती थी, अपनी मर्जी की ज्वेलरियाँ कपड़े ऐसा कुछ घर वालों को सपोर्ट करना। अब यकीन करें कि हमारे मकान का किराया निकल आए तो बड़ी गनीमत होती है उस टाइम, इसलिए वो इतने ख्वाजा ये अपने गाँव में वापस जाते हैं, ये लोग उधर ये अपनी बीवी के सामने जाके कहते हैं जी हम रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में हम दर्जी का काम कर रहे हैं, कोई कहता है मैं तंदूर से रोटियां ला रहे हैं, कोई क्या कहता है, और जब ये अपने घरों में वापस जाते हैं मर्द बन जाते हैं और इधर आके फौरन से ट्रक विग पड़ी होती है वो सर पे लगाई मेकअप किया और ख्वाजा सरा तैयार होके जी वो बाहर निकल है। ए पिंडी नु फैक्ट्री बनाया हुआ है ख्वाजा सरा मादी नहीं गलत बात है, लेकिन मैं इसको ये भी एडिशन देना चाहती हूं कि ये देखिए मैं भी मजबूरी उनकी जो हम मतलब नहीं 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 मैं पता क्या आज यहां पे आई हूं ना और मैं एक ही मैं तो चीफ जस्टिस साहब से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि चीफ जस्टिस साहब आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आपने इतने इतने अच्छे कामों पे एक्शन ले लिया, प्लीज मैं आपके बच्चों को दुआएं दूंगी, आपके पूरे खानदान को दुआएं दूंगी, आपको दुआएं दूंगी कि आप इस चीज पे भी एक्शन लें कि ये जो लड़के ख्वाजा सरा बने हुए हैं रावलपिंडी में इतने ज्यादा आ गए हैं, ये कहां से आए हैं, आप इस चीज पे भी एक्शन लें। और एक तो ये ख्वाजा सरा बने हैं, एक तो बड़ा सबसे मसला हमारे लिए ये है कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, और दूसरा हमारे लिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है इन्होंने लड़कियां अपने डेरों पे रखी हुई हैं, एसएचओ कोई नहीं इलाके का पूछ रहा, हर इलाके का एक एक एसएचओ है वो उसको वो मेरे से पूछे, एसएचओ जब हम कहते हैं जी हमारा एक बड़ा गुरु है उसको पता है जी सातवीं गली में बच्चा पैदा हुआ है, गुरु चला गया वहां पे बच्चे की बधाई लेने, एसएचओ क्या कर रहा है बैठा हुआ, एसएचओ से मैं पूछती हूँ क्या कर रहे हैं भाई आप बैठे हुए, वो आपको नहीं पता कि आपके इलाके में ख्वाजा सरा डेरे डाल के बैठे हुए हैं, उनके डेरों के ऊपर लड़कियां बैठी हुई हैं, लड़कियां रोज रात को महफिलें जम रही हैं, हमें इसे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम बहुत जज्बाती हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन बात जो है ना वो दुख की है, वाकई किसी की रोजी जब छिनती है ना किसी इस तरह की चीज से तो दुख बहुत होता है। छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है जो हम सजेस्ट करेंगे वापस आके, और आपका गाना भी लेंगे जो नजर आ गया, गाना सुनना है हमने वापस आके छोटी सी। वेलकम बैक टू मेहेक्ती मॉर्निंग, हमने बहुत इंतज़ार कराया है, यहाँ पे हमारे एक बहुत ही प्यारे गुलकार आए हुए हैं इमरान गुलाम अली, प्लीज़ आइए आपसे हमने कुछ बातें करनी है। मैं आपको इंट्रोडक्शन ये करा दूँ कि ये गुलाम अली साहब के शागिर्द हैं तो बहुत ही अच्छा हमें कुछ सुनाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मुझे बताइए यहाँ पर हमने इतनी बुराइयाँ की मर्द हज़रात की भी, ठीक है, सारे सारे मसाइल की जड़ी जो है ना आप लोग हैं, अच्छा तो क्या अपनी सफाई पेश करना चाहेंगे कोई? आज मैं कुछ भी नहीं कह सकता थी जो सीन चल रहा है आजकल पाकिस्तान का हाल है, तो मैं तो कहता हूँ हुकूमत ही नहीं की होनी चाहिए, कसम से सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ मेनू प्रेसिडेंट बनाओ आप होंगी तो कमाल हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं कहना जी, हूँ गाना गाना क्या सुनाने वाले हैं मैं जी अपना मेरा एक सॉन्ग है पंजाबी सॉन्ग माहिया वे क्यों पाइया तू जुदाइयां में, ये दुखी अजान, हाँ अजान स्टूडियो से मैंने रिकॉर्ड किया बगा भाई के स्टूडियो में, सारे बगा उनके छोटे भाई हैं मुश्तबा अली चोनी, तो ये उन्होंने इसका म्यूजिक किया है, जबरदस्त सुनाइए जी, तुम आ जाओ साथ दीजिएगा थोड़ा सा। मैं चाहूंगी किरण और हमारी प्यारी सी शेफ भी क्योंकि हैं तो आप मेरे साथ जरा किचन में आएंगे आप दोनों, हम वेलकम करेंगे यहाँ पे शेफ वसीम को, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत ठीक ठाक, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अच्छा आज हमारे पास एक और शेफ भी हैं जो बहुत अच्छा जो है खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा इन्होंने आर्ट सारी सीखी भी है, तो हम चाहेंगे कि आज हम रेसिपी जब बनाएं तो आपके भी मैं कॉमेंट करूं, ठीक है जी? क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं डीआई खान की स्पेशल सोबत, सोबत या
क्या बात है, दिया खान की स्पेशल सोबत भी तो हो सकते हैं ना, सोबत जो हम बना रहे, क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स? इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है, सब्ज़ धनिया पाउडर, ठीक है, और हल्दी होगी इसमें, ठीक है, उसके बाद गार्लिक, गार्लिक की पेस्ट है और जिंजर की पेस्ट है, सॉल्ट है, उसके बाद ये दालचीनी है, ठीक है, और काली इलायची है मोटी, ठीक है, मोटी इलायची, और ये ग्रीन चिल्ली और ये लेमन प्रेजेंटेशन है इसकी, ऑनियन है मेन इसके, और टमाटो है, चिकन है, ऑयल है, और वो रोटी, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, रोटी भी क्या बीच में डलेगी? ना ना, रोटी तो मतलब तैयार करके वो तो मेरे के इंग्रेडिएंट्स बता दी, बीच में डलेगी रोटी। वैसे हम यहाँ पे ऐसा कर चुके हैं, हमने एक दफा यहाँ पर कहाँ की थी वो, हुंजा की शायद कोई डिश थी जिसमें हमने पहले मैदे की रोटियाँ बनाई, फिर हमने उनको तोड़ा, फिर हमने बीच में डाल दी, बड़े मजे की बनती है वो चीजें। इसमें ये होता है ना, इसको पहले रोटी को तो बना के उसको तोड़ते हैं, ठीक है, फिर उसकी अलग से इसकी ग्रेवी तैयार होती है, वो ग्रेवी उसके ऊपर होती है, फिर भी चिकन के पीसेस होती हैं, पिंडा, आप पिंडा, पिंडा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ी पठानों की फेवरेट डिश है। तो डीए खान में मैं जाता था अक्सर, तो मैं देखता था, तो मैं आज अचानक ही कल मेरे जहन में आया, मैंने कहा डीए खान की डिश क्यों ना बनाई जाए। बिल्कुल, इसका तरीकेकार भी बता देते हैं। इसका तरीकेकार बहुत सिंपल है, हम पहले इसे ऑयल डालेंगे, ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे और चिकन को, ठीक है जी, ठीक है, ऑयल की इसमें क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा हो एक ही, ठीक है, बेशक बाद में आप उसको थोड़ा सा स्टेन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने कभी सोचा है कुकिंग शो होस्ट करने का? सोचा है, है ना, जिसके अंदर आप बनाएं भी, और जी मैंने सोचा है इस बारे में, तो इंशाल्लाह इस पे भी करूंगी, इस पे ये आइडिया मैंने तो नहीं दिया अभी नहीं, मैं पहले है ना, मैंने फौरन इसको किरण कॉपीराइट कर लेना चाहिए मुझे, मैं क्योंकि वो मैंने बताया था कि ऐसा करना है, नहीं मैं ऐसा सोच रही थी काफी अरसे से, मुझे और भी लोगों ने कहा था, तो अभी इस पे जो है अभी काम चलना है। किरण, आपने सोचा है कभी कुकिंग शो होस्ट करने का? नहीं, नेवर, जो काम आपको आता नहीं है आपके उसमें जाए, कुकिंग आती नहीं है, मान लिया आती है लेकिन शेफ के हिसाब से तो नहीं आता, कुछ चेक करके बताया। बढ़िया, अब हम्बल हैं, टीवी पे कभी कोई बात एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे नहीं आती, कहना चाहिए मुझे सब आता है, मुझसे बेहतरीन कुकिंग तो कोई करता ही नहीं, नहीं अगर पता नहीं कितने रिश्ते वापस मुड़ गए अभी ये कितने उम्मीदवार जो है ना इस वक्त कह रहे हो आए हाय रोटी नहीं मिलनी गोल छोड़ो जी, लेकिन नो इशू, नहीं नहीं बहुत हम्बल है, ऐसे बहुत अच्छी रोटी बनाती है, झूठ बोल रही है, ऐसे मैंने ही कहा था ना बताएं टीवी पे, ऐसा ही है ना। अच्छा, हम लोगों ने एक बात स्टार्ट की थी, वो यहीं पे जो है हम कंटिन्यू कर लेते हैं, जिसके अंदर किरण ने बहुत अच्छी एक बात की थी कि स्कूलिंग के अलग सिस्टम्स होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये ज़रा बताइए कि ये अलग होने से, यू आर एन एक्टिविस्ट, ठीक है, अलग होने से दूरियां बढ़ती हैं? बिल्कुल बढ़ती है। या फिर आपको जो है मतलब, और लेकिन क्या अलग स्कूल ज़रूरी भी हैं? अलग स्कूल ऐसा ज़रूरी नहीं है, और आजकल की अगर मैं बात करूं, पहले आजकल की बात करती हूं, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर्स बिल्कुल जैसे मैं हूं ऐसे अपनी मर्जी से जा रही हूं और पढ़ रही हैं, ठीक है, मास्टर्स कर रही हैं, बैचलर्स कर रही हैं, तो पहले नहीं था, तो अभी जैसे एक इनिशिएटिव है लाहौर में, एक फ्रेंड होते हैं उन्होंने लिया है ट्रांसजेंडर्स के लिए वोकेशनल स्टडीज़ का, अच्छा, जो हाँ जी, जो के कुकिंग में इंटरेस्टेड है वो सीख सकते हैं, ब्यूटिशियन का सीख सकते हैं, सिलाई का काम इंटरेस्टेड होता है बाज़ लोगों को, फैशन डिज़ाइनिंग वो सीख सकते हैं, तो मतलब इस पे काम जारी है अलग करके सीखने का, वो बेसिक स्टडीज़ अलग हो नहीं सकती, बिल्कुल, और होनी हाँ भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि अलग चीज़ उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हो, कि उनको जो है कैटर ना किया जा सकता हो आम बच्चों के साथ, उनके लिए कोई स्पेशल टीचर्स चाहिए, कोई स्पेशल पढ़ाने का तरीका चाहिए, तो अगर एक मतलब हम इंसान की बात कर रहे हैं तो इंसानों को अलग करके पढ़ाने का कोई मुझे तुक नहीं समझ आती है, अनलेस आपको कोई स्पेशल एजुकेशन चाहिए, और जब तक इंक्लूजन नहीं होगी तब तक वो हमारे अंदर से वो वाली बात भी नहीं निकलेगी कि हाय वो ये है, वो ऐसे है, वो वैसे करना हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि Why not एक अलग स्कूल इनके लिए पहले बनाए जाए, उनको वहाँ एजुकेट किया जाए। You are absolutely उसके बाद हमारे जो बाकी स्कूल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पर ऐसा एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि मतलब इनके अपने स्कूल्स हैं, इनका अपना एक मुकाम है, ये भी इंसान है, इनके अपने राइट्स हैं, ठीक है। अब जब कोई बंदा बीमार होता है डॉक्टर ये देख के तो इलाज नहीं करता कि ये मतलब ये शी मेरा तो मैंने इसका इलाज नहीं करना, वो अपनी ड्यूटी। अच्छा, ऐसा भी होता है वैसे, मैंने ये स्टोरी भी मैंने सुनी है, मेरे साथ एक कॉल है, अस्सलाम वालेकुम, मैं बताती हूँ,
लगता है सुहाना हर मौसम, चारों तरफ बिखरे कई रंग, महकती मॉर्निंग लगे सुहानी, सुंदस खान के संग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ये हमारी शायरा हैं जो मैं कॉल करती हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे शायरा समझा। आप, आपका नाम भी इतना शायराना है, माही। माही किसका नाम होता है आजकल, है ना? जैसे शायरों के ही होते हैं ना, है ना? क्या कहना चाहेंगी आज आप हमें, क्या सुनाना चाहेंगी? कोई गाना शाना हो जाए। किधर गई माही? खिलदियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के, खिलदियां गल्लां है। बस आगे, आगे, बस बस इतना सा, बस इतना सा प्यार है माही। वो शायर है, आपने उन्हें सिंगिंग करवा दी है ना। न्यू बड़ी मल्टी टैलेंटेड मुझे लग रही थी, बड़ी क्यूट हमारी ये कॉलर है। थैंक यू सो मच माही फॉर कॉलिंग। और जब मोबाइल से कॉल करते हो ना, तो मैं 10 मिनट बाद आवाज़ आती है, इसलिए लैंडलाइन से कॉल किया करूँ। मुझे पता है आजकल ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा अच्छा। शबसी मुझे बताइए, इसको थोड़ा सा पकने में भी टाइम है, 1-2 मिनट इसमें? हाँ, 1-2 मिनट है इसको। तो हम ब्रेक लेके वापस आए फिर, ब्रेक लेके वापस आ जाए, है ना? क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी हम टाइम लगेगा, छोटे से ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। बैक टू मेहकती मॉर्निंग। इसलिए कहते हैं बेटा किचन में, किचन में हर चीज नहीं चखते ना, ये तो होता है फिर। अच्छा मुझे लगी थी कि आपने इसमें ड्राई मिल्क भी पड़ रहा है। चिकन रोस्ट हम बना रहे हैं जी, और उसमें किरण नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ आपकी शादी की उम्मीद जो है ना वो जिंदा रहे। क्या बना रहे हैं हम, मुझे बताइए। हम लोग चिकन रोस्ट बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मेरी अपनी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्या कुछ इसमें डलेगा? इसमें चिकन डलेगा, एग, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सॉल्ट, और इसको हम लोग कोट करेंगे फ्लावर में। फ्लावर में, जबरदस्त। तो हम ये साथ साथ जो है बनाते हैं, आपको मैंने हेल्प भी दे दी है, है शेफ वसीम? yes, आपको मैंने हेल्प भी दे दी है, तो आप भी मुझे बताइए कि अगला स्टेप क्या है। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, हमारा चिकन तकरीबन फाइनल पे ही है। ठीक है, ठीक है, हमने इसमें पहले ऑनियन के साथ इसको सौते किया, अच्छा ऑनियन के साथ सौते किया इसको, फिर उसके बाद करने के बाद इसमें हमने जिंजर गार्लिक की पेस्ट, ठीक है, उसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी, ठीक है, सॉल्ट और ये चीज़ें डाल के हमने इसको फिर कुक किया। उसके बाद हमने इसमें टमाटो डाले, ठीक है, टमाटो के साथ इसकी पेस्ट बन रही है, ये भी ये कुक हो रही है, फिर हम इसको वाटर देंगे। हाँ। तो फिर ये जब इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। शादी बड़े गौर से सुन रही है, मुझे लगता है खाना कभी नहीं बनाया जिंदगी में। नहीं, खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ। 2 प्लेटा तो मैं खा के जावांगी। बस ये आपका ही है जो भी बन रहा है, आपका ही है। घर में बेसिक ऑयल में करते हैं ना, अच्छा हम लोग खुद करते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या बना लेते हैं हम लोग? बिरयानियां, हर किस्म के खाने। मैं तो सबसे नॉर्मल काम है। अच्छा हमें ऑयल और चाहिए प्लीज, मैं पीछे बैठ रही हूँ, हमारे पास ऑयल यहाँ कम हो जाए। अच्छा मुझे बताइए, जब तक ऑयल आ रहा है, एक हरासमेंट का कोई इंसिडेंट है जी जो हुआ आपके साथ पुलिस में, वो आप हमें बताना चाहिए। जी मैं शूटिंग से वापस घर की तरफ जा रही थी, एक चेक पोस्ट पे रावलपिंडी में मुझे रोका गया और मेरे से आईडी मांगी। जब मैंने आईडी दी, उनको पता चला मैं ट्रांसजेंडर हूँ, उनका उतरो गाड़ी से। तो मैंने कहा क्यों, आईडी तो देख लिए। कहते उतरो गाड़ी से, तो मैं उतरी गाड़ी से, चेक पोस्ट की तरफ लेके आए। कहते हैं कि अभी हम लोग इसको डिवाइस में आपकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आपकी। मैंने कहा मुझे मेरी आईडी सामने पड़ी है, क्यों दिखाओगे मुझे? कहते आप रूम बूथ में आए ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं पे बताइए, मैं करती हूँ, आप मेरा टाइम भी वेस्ट करें, मैंने तो आईडी प्रेजेंट कर दी। तो उस पर वो लोगों ने मेरे साथ शुरू कर दिया, कहते आप कोऑपरेट नहीं कर रही। तो वहाँ से एक कॉन्स्टेबल था, उसने अपने फ्रेंड को बोला, काफ़ी अजीब अल्फाज थे, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, कि जलील कर इसको, जलील कर इसको। हाँ जी, तो इसी तरह के मैंने सुनने में मुझे मिला, तो मैंने इस पे नोटिस लिया। आयशा मुगल होती है, ट्रांसजेंडर है, NCHR में फोकल पर्सन फॉर ट्रांसजेंडर है। तो मैंने उनके ज़रिए नोटिस लिया इस पे, और नेक्स्ट डे ही हमें मुझे बुलाया गया DSP के ऑफिस में, ठीक, और वहाँ पे वो भी थे
कांस्टेबल को भी बुलाया गया और उनके ऑफिसर्स को भी बुलाया गया। अच्छा, तो जहाँ पे उनको पूछा ये सब क्यों किया, तो उन्होंने आगे से उनके पास कोई कमेंट्स नहीं थे ना, उनके पास कोई जवाब था, तो उन्होंने कहा कि सॉरी आज के बाद नहीं होगा। बस इन्होंने सही कहा है कि हम भी जब फंक्शन से वापस आती हैं ना, तो हमें फौरन वैसे ही तंग करना शुरू हो जाते हैं कि आप अपने आईडी कार्ड दें। मैंने कहा हम डांस करने जा रही हैं कि हम आईडी कार्ड साथ ले लेके फिर है, तो आपको जब पता है कि पूरी पार्टी है हमारे साथ, फिर जो हमारे हेल्पर वगैरह होते हैं, कैशियर होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग टाइप के जो हमारे गुरु होते हैं, उनको नीचे उतार के बिला वजह तंग करना। और अभी तो हमें, हम जब अभी हजारे वाली साइड पर जा रही थी फंक्शन पे थोड़े दिन पहले की बात है, तो पुलिस वाली गाड़ी थी हरिपुर में, पुलिस की गाड़ी थी, तो वो हमें कहते हैं, हमने पता किया कि फलाने फलाने जगह हम फंक्शन पे जा रही हैं, तो ये कहाँ पे है, और यकीन करें वो हमें अपनी गाड़ी के पीछे सुनसान जगह पे लेके चले गए, इतनी सुनसान जगह पे लेके चले गए कि जहाँ पे मैंने सबको कहा, मैंने कहा मुझे, मेरा दिल डर रहा है, मैंने कहा कोई ना कोई बात होगी, और वो आगे से आगे जाते जा रहे हैं, मैंने उनको कहा गाड़ी पीछे मोड़े, हम गाड़ी पीछे मोड़ के लेके आई, फंक्शन वाले घर पहुँचे हैं, वो उधर पहुँच गए, कहते हैं आप लोग उधर से भागे के हैं। मैंने कहा तुम बताओ हमारा फंक्शन इस साइड पर, तुम हमें जंगल में क्यों लेके जा रहे थे? पुलिस वालों का रवैया कभी ज़िंदगी नहीं चेंज हो सकता। जिस दिन हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की पुलिस चेंज हो जाएगी ना, उस दिन सारे निज़ाम ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ये मतलब सारे शिकवे पुलिस से हैं, या कभी बिजली का बिल जमा कराने गए हों आप, कभी ग्रोसरी लेने गए हो, मतलब इंटरेक्शन तो जगह जगह, ये मतलब बिजलियों की दुनिया है। हाँ हाँ, बिजली का बिल जो बेचारी मेरे का थले बेचारी आप रही हुई जमा करा उन्हें पकड़ा देनी है, हाला जाके जमा करा है। खुद नहीं गए तो बाकी जितने भी ये इदारे हैं, हम लोग जाते हैं, वो उसमें आईडी कार्ड के, अभी मैंने पासपोर्ट बनवाना था, पासपोर्ट के लिए भी बड़ी जी ये वो, जब मैंने बताया कि मैं शीमेल हूँ, तो उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम के जी आप जहाज में कैसे बैठेंगी, वो तो शीमेल्स के लिए बनाया ही नहीं गया, उसके लिए अलग स्पेशल कोई इंतजाम होता है ना उनके दिमाग में, टेंशन ना ले, मजाक कर रही हूं। अच्छा अच्छा, परेशान हो गई, कहती है क्या? अच्छा बन गया पासपोर्ट फिर? हाँ पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से बना। अच्छा, बहुत मुश्किल से, और आईडी कार्ड भी बड़ी मुश्किल से बना। हम चाहते हैं कि हमारे बाद में दिल फंक्शन करे, कितना ऑयल डालना है इसको फ्राई करने के लिए, बताएं। अब शेफ यहाँ खड़े, मैं शेफ यूनिफॉर्म में रही हूं, आप शेफ से पूछ ले। ये मुझे बताइए शेफ वसीम, इसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल हाई करके अस्पताल तो नहीं जाएंगे? ब्रोस्ट डीप फ्राई होता है। अच्छा ये डीप फ्राई, हां ब्रोस्ट डीप फ्राई होता है। देखिए ना मैं परेशान में, मैं डीप फ्राई हो जाएगा एक और बोतल, जाहिर बात है एक और बोतल नहीं काफी, एक और बोतल आपको बताया नहीं, देखती मॉर्निंग में सिर्फ एक बोतल अलाउड, उसमें आप जो बना ले बस ये हो गया, हो गया एडजस्टम इज दिस पाना ने मन दाज दी कि छट मेरे ते ना आ जाए, तो मेरा तो सारा इरादा ही यही था, इसके लिए इतनी खूबसूरती इसके ऊपर मैं कैसे दाग लगाऊं, मैंने बिल्कुल लकड़ाई के सामने खड़ा कर दिया, बड़ी तेज है ये, पता चल गया। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। एक सवाल जो मेरे जहन में उस वक्त से घूम रहा है जो मैं पूछना चाहूँगी, वो ये है कि कभी प्रपोजल आया है, कोई शादी की ऑफर आई है? हाँ तकरीबन काफ़ी दफ़ा आई है, एक दफ़ा तो अगर टाइम है तो मैं जिक्र सुना दूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं एक दफ़ा एक जगह पे गई शो के लिए ना, तो वहाँ से एक लड़का मेरे पीछे पीछे ना मेरे घर तक पहुँच गया, तो और वो मुझे कहे कि मैंने आपसे शादी करनी है। मैं उसको कहूँ, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ शादी नहीं हो सकती। कहता है क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा नहीं नहीं मैंने करनी ही नहीं ना। वो यकीन करो कि इतना इतना मेरे पीछे पागल हो गया, वो अपनी वालदा को लेके मेरे घर आ गया। अच्छा। और जिस घर में मैं रह रही थी ना रेंट पे, उधर एक आंटी थी वो साथ रहती थी, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये मेरी बाजी है ना, उसने समझा वाकई ये इसकी बड़ी बाजी है, अपनी अम्मी को लेके आ गया। कहता है इनकी बाजी से बात करें ना आप। अच्छा, तो वो बेचारा बाजी को, मेरी बाजी भी वो जो आंटी थी वो भी हंसना शुरू होगी, उसकी अम्मी को कहे नहीं 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 इसके साथ शादी नहीं हो सकती। बड़ा फिर बड़ी देर इस तरह की बहस चलती रही, फिर वो लड़का, मैंने उस लड़के को अंदर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, मैंने उसको सारा कुछ बताया, मैंने कहा देखो मैं शी मेल हूँ,
मैंने कहा मेरे साथ शादी नहीं हो सकती। अच्छा, उसको नहीं पता था? नहीं पता था। अच्छा। कहता है ना आपकी आवाज से पता चला, ना आपके बैठने उठने के अंदाज से, किसी चीज से भी नहीं आपका पता चला ना कि मैं, कहता है मैंने तो बिल्कुल अपने दिल में वो चारा इतना रोना शुरू हो गया और मुझे उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा हाय अल्लाह काश होंदे ते कर ही लेना से, कंडा खिंच ही लेंदी। रियलिटी में लोग हम लोगों से भी मोहब्बत करते हैं, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारे पीछे अपनी सारी जिंदगियां गुजारते हैं, इस तरह के अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी का कोई ना कोई एक ऐसा बनाया होता है जिसके साथ उसका टाइम स्पेंड हो सके, जिसके साथ वो रह सके, वो उसको समझे, वो उसको समझे, तो इस तरीके से हमारे सबको अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसा दिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वाइंड अप करने से पहले, टाइम हमारा बहुत कम रह गया, ज़ारा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब जो है माविया न्यूज़ कास्टर बन गई है, किम सेड मॉडलिंग में आ गई है, तो इस तरह प्रोग्रेशन देख के कैसा फील होता है आप खुद? माशाल्लाह इतना बहुत अच्छा फील होता है। पहले जब ट्रांसजेंडर्स की बात आती थी, ख्वाजा सराओं की बात आती थी, तो डांसर्स जहन में आ जाते थे या फिर दूसरे बेगर्स जहन में आ जाते थे। आजकल ट्रांसजेंडर्स की बात होती है तो बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल, जो कि उसकी इकॉनमी के लिए भी काम कर रहे हैं, जो बेहतर से बेहतर की जाए। तो एज अ सिटीजन, एक मर्द और एक औरत के मुकाबले हैं, तो मैं इतना कहूँगी कि जो भी आता है उनको जगह दे और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना करें। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आप लोग मेरे शो पर आए। हम लोगों ने एक रिप्रेजेंट करना है डांस आप लोगों के लिए मॉर्निंग, हमारे लिए क्या बात है जी, हमारे लिए मेमोरेबल मोमेंट होगा, क्योंकि रोज तो हम लोग इस टीवी शो के ऊपर नहीं आते, हम घर में बैठकर देखते हैं। थैंक यू सो मच, मैं वाकई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका। थैंक यू केन फॉर बीइंग हियर, थैंक यू शेफ वसीम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, और अल्लाह ताला आपके निगहबान है, और इंशाल्लाह आगे ये जो हमने आज जितनी भी बुराइयां की है ना लोगों की, जो बुरे हैं, अल्लाह इन्हें भी तौफीक दे, अकल दे, ताकि ये बेहतर हो जाए और हर किसी को बराबर समझें, इंसान समझें, किसी से अपने आप को बर्तर ना समझें, तो कभी भी आप किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहकती मॉर्निंग देखने का, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल, और आज का शो एंड होगा, और मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, एटीवी के और आपकी पूरी टीम को, और आप हम दोनों भी बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, फ्रेंकली और स्टेज आपका है।